और कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राज्यों में कई अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज देश भर में प्रदर्शन और ओपीडी सेवा में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर होने वाला है। फेमा ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स सीबीआई जांच की भी अब मांग कर रहे हैं। तो डॉक्टरों का कल से लगातार हम प्रदर्शन देख रहे हैं। हालांकि कल तो हमने देखा था कि किस तरह से डॉक्टर्स ने प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन फिर वो अपने अपने काम पर वापस लौट आए। लेकिन अब उनका कहना है कि ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेगी। जो लोग अस्पताल आते हैं उनके लिए आज दिक्कत भरा दिन हो सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता में जिस तरह से एक लड़की के साथ रेप हुआ, बाद में एक डॉक्टर के साथ उसकी हत्या कर दी गई, अब उसे लेकर पूरा डॉक्टर एसोसिएशन इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली की, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर्स रेप और मर्डर केस में ये सभी डॉक्टर अब इसका विरोध कर रहे हैं। तो ओपीडी सेवा में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया गया है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो रात में काम करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह के इंतजाम नहीं है और फिर इस तरह के हादसे होते हैं। अब इसको लेकर कल हमने देखा था अलग अलग अस्पतालों में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन फिर डॉक्टर्स अपने काम पर लौट आए थे। लेकिन आज उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि ओपीडी बंद रहेगी। आज जो लोग इलाज कराने आते हैं वो नहीं इलाज करा पाएंगे। चलिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए नितिका, उपेंद्र और राम गोपाल तीनों अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे। नितिका, हमने देखा कि कल डॉक्टर्स जरूर प्रदर्शन के लिए उतरे थे, लेकिन फिर वापस प्रदर्शन के बाद अपने अपने काम पर वापस लौट गए। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि ओपीडी चलने नहीं देंगे, यानी परेशानी उन लोगों के लिए जो इलाज कराने पहुंच अस्पताल में। पर उसे बाद से ही देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश का माहौल है। हम इस वक्त केजीएमयू में है, जहां पे कल से ही प्रदर्शन जारी है और आज डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल कर दी है, जिससे कि जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो प्रभावित हैं। हालांकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो यहां पर जारी रहेंगी। ये तमाम डॉक्टर्स बारिश में भी यहां पर लगे हुए हैं कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, जब तक इस मामले में जांच नहीं हो जाती, जब तक जो कल्प्रिट है सजा नहीं हो जाती, तब तक ये यहां पर टिके रहे। बात करते हैं, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि रेसिडेंट्स को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर नाइट ड्यूटीज होती है तो रेसिडेंट रूम के बाहर कैमराज होने चाहिए, हमारी सिक्योरिटी में गार्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनके नंबर्स हमारे पास हो और हम इमरजेंसी में उन्हें कॉल कर पाए। अगर उस रात भी जो इंसिडेंट हुआ, अगर कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था होती तो इस तरीके का इंसिडेंट ना होता उस दिन। आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह से ये केस हुआ है इसके बाद से ही डॉक्टर्स जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? हमारी ये डिमांड है कि सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। अगर हम लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने हॉस्पिटल के अंदर तो हम लोग सेफ रहने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, लोग मार के चले जाते हैं इसको लेकर। नितिका, अगर आपको आवाज कहने चाहिए तो इनसे जरा पूछिए कि रोजाना किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि एक मामला तो कोलकाता में हुआ लेकिन अब ये डॉक्टर्स मांग कर रही है अपने सेफ्टी के लिए। कोलकाता में घटना हुई, महिला डॉक्टर्स को कितनी दिक्कतें आती हैं, उसके बाद आपको क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, हमारी नाइट ड्यूटीज भी लगती हैं, हमें 36 घंटे 40 घंटे भी खड़े रहते हैं, पेशेंट का काम करना पड़ता है। अब हमारा वर्क प्लेस है, हम यहाँ रहने वाले, हमारे लिए हमारे घर की तरह है। अब हमें यहाँ भी सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाके सेफ्टी मांगे? गवर्नमेंट से रियली रिक्वेस्ट कि इसे फांसी जैसी सजा नहीं देनी चाहिए इस साथ इस क्राइम क्रिमिनल को। उनको रोज उस क्रिमिनल के शरीर पे तेजाब डाल के उसे मारना चाहिए, ताकि ऐसी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए ताकि कोई रेप करना तो दूर उसके बारे में सोचे भी नहीं। थैंक यू। हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारी मुद्दा नहीं है, आगे चलकर जो नागरिक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे तो क्या वो चाहेंगे? बिल्कुल, तो ये सभी असुरक्षित महसूस करती हैं और इनकी बातों से भी वो आक्रोश झलक रहा है जो कुछ कोलकाता में हुआ। चलिए अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या तस्वीर वहां पर, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट देश भर में चल रहा है। मैं इस वक्त पूर्वांचल, बिहार और
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू में हूँ। बीएचयू की तस्वीर के जरिए मैं आपको इस हड़ताल का बीएचयू समेत उत्तर प्रदेश में असर बताता हूँ। सारे बीएचयू में जितने भी रेजिडेंट्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, 1000 डॉक्टर्स करीब हैं। लेकिन ओपीडी चल रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, चेस्ट, टेबी सभी की ओपीडी चल रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई भी मेडिकल कॉलेज हो उसके साथ आपको वहाँ पर प्रोफेसर तभी देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जब तक जूनियर डॉक्टर्स नहीं देखेंगे, क्योंकि एक बड़े मरीजों की संख्या होती है। बात बीएचयू कर लें तो 5000 मरीज आते हैं, तो ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स जो रेजिडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर के साथ, प्रोफेसर साथ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आज अकेले डॉक्टर्स देख रहे हैं, अंदर की भी तस्वीरें मैं दिखाता चूंकि सिग्नल्स प्रॉब्लम है इसलिए, लेकिन यहाँ पर सारे डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर वो हड़ताल पर है। हालांकि जो निजी डॉक्टर्स हैं वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इसका व्यापक असर यह है कि अभी जो भीड़ आप 12 बजे देख रहे हो, ये भीड़ आधी छट जाती है क्योंकि डॉक्टर्स देखने वाले नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा होते हैं, लेकिन आज अकेले डॉक्टर्स हैं इसलिए ये भीड़ आपको ज्यादा दिख रही है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा तस्वीर दिखाएं, लेकिन यहां पर आज अकेले डॉक्टर्स वजह से भीड़ ज्यादा है। इसका दूसरा बड़ा असर यह है कि जो सर्जरी पोस्टपोन थी, मतलब जो सर्जरी थी, हाँ, जो प्रस्तावित थी आज अलग अलग विभागों की सर्जरी, चाहे वो कर दिया गया है डॉक्टरों की कमी की वजह से। रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इस वक्त हड़ताल पर है, जो सीनियर डॉक्टर हैं वही देख रहे हैं। ये हाल बीएचयू का हम आपको दिखा रहे थे। रामगोपाल भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आप कहां पर हैं और वहां पर रेजिडेंट डॉक्टरों की किस तरह की, क्योंकि आज उन्होंने कहा है, उन्होंने ओपीडी का बहिष्कार किया है, उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी सेफ्टी को लेकर किसी तरह के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तो क्या कुछ वहां का नजारा देखने को मिल रहा है इस हड़ताल के बाद, ओपीडी का बहिष्कार करने के बाद डॉक्टरों की तरफ से? बिल्कुल, जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इस वक्त हड़ताल पे हैं और आप देखिए कि अपने डिपार्टमेंटों को छोड़ के अभी कुछ देर पहले तक यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जो ओपीडी है वहाँ पे सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा है और ये जो लोग हैं ये यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। भाई साहब, आप लोग अभी हड़ताल पे हो, क्या मांगे हैं? मांगे देखिए हमारी जो है कि फीमेल रेजिडेंट्स की सुरक्षा को लेके है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और दिन रात ड्यूटियां चलती रहती हैं, हमारी नाइट शिफ्ट रहती है, तो उसमें अगर डॉक्टर सेफ नहीं रहेगा तो काम कैसे कर पाएगा? तो उसको लेके हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब लोग महिला हैं चूँकि रात में भी ड्यूटी करते, बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर है हड़ताल पर है, सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन डॉक्टरों की, रेजिडेंट डॉक्टरों की यही मांग है कि उनकी जो सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसे पूरा किया जाए।